जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। चलिए, बोलते हैं तो नहीं सुनते हैं, पलकों को थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लिया प्लीज, हेड स्पेस ज्यादा है। आइए जी, ऑनलाइन आइए। देखो नहीं, नीचे बोलो, पलकों एक मिनट, पलकों बोलो, आइए ऑनलाइन। सेटिंग रह गई, मैं बोला था थोड़ा सा नीचे कर दूं, थोड़ा सा, थोड़ा हेड स्पेस ज्यादा आ गई है। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। आइए आइए, अनीता देवड़ा जी, सुनील मोदी जी, वेलकम वेलकम, आइए। दरे दरे आ जाए, फिर शुरू करते हैं। आज हम बहुत अच्छे मीठे भजन लाए हैं बाबा जी के असीम अपार कृपा से, और खूब आनंद होने वाला है। आज हम 5:30 बजे एक प्रार्थना करेंगे विश्व शांति के लिए, राष्ट्र शांति के लिए, राष्ट्र के लिए एक प्रार्थना। करीब 5:30 बजे के करीब हमारे लिस्ट में है वो, और शुरू करते हैं, बाबा जी की स्तुति करते हैं। सबसे पहले बाबा जी की स्तुति से शुभारंभ करते हैं आज के कीर्तन का। सबसे पहले विश्व कल्याण मंत्र का जाप, और बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय, बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय, बोलिए श्री पंच देव दरबार की जय, बोली गायत्री माते की जय, बोली सप्त ऋषियों की जय। ज्ञाश्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापत्मनाम कृत्याम हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्।
अखंड मंगलाकारं व्याप्तं ये चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलायतनोहरी शशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलती जय बाबा गंगाराम जी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय। बोले श्री पंचदेव दरबार की जय। बोले गायत्री मात की जय। आज का जो संकीर्तन है वो आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट भेजी है मैंने उसमें से काफी भजन लिए हैं और कोशिश यही है कि जो पिछला कीर्तन हुआ उसमें नए भजन ज्यादा हो सेम भजन ना हो, इसलिए कई फरमाइशें ऐसी थी जो अब अगर अगले कीर्तन की आज्ञा मिलेगी तो अवश्य मैं आप लोगों के लिए लेके रहूंगा। लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे पुराने नए भजन लिए हैं, कुछ फरमाइशें ली हैं, चार पांच अच्छी फरमाइशें हैं और आज हम थोड़ा सा लिमिटेड कार्यक्रम करने वाले हैं, लिमिटेड टाइम के लिए है क्योंकि 7 बजे का एक लिमिटेशन हो गया आजकल, 9 बजे रात को और 7 बजे शाम को कि लोगों को महाभारत और रामायण देखना होता है, तो हम उसमें विघ्न ना डालते हुए कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी समाप्त कर दें। 5:30 बजे एक हम प्रार्थना करेंगे राष्ट्र शांति के लिए, राष्ट्र की एक प्रार्थना है उसके लिए। तो चलिए सबसे पहले बाबा जी से अरदास करते हैं और बाबा जी से कहते हैं क्या, सुनिए। कीर्तन हो रहा है तो बाबा को बुलाना आवश्यक है। एक सेकंड। कीर्तन की है रात बाबा का जाने आनो है। कीर्तन की है रात
बाबा जी के चरणों में एक प्रार्थना, बड़ी मीठी सी प्रार्थना है। आप लोगों को अगर फरमाइश देनी हो तो प्लीज यहां लिखिएगा कमेंट में, ताकि मैं यहां पढ़ पाऊं। और आज तो हम थोड़े कम टाइम के लिए हैं, मैक्सिमम 7:15 तक हम कीर्तन समाप्त कर देंगे, मैक्सिमम 7 बजे तक। तो अगर आज वो भजन रह जाते हैं तो यहां लिखिएगा प्लीज कमेंट में आपको क्या क्या सुनना है, तो मैं अगली बार फिर उसको आपके लिए लेकर आऊंगा। और एक और बात है, वो ध्यान रखिएगा कि 28 अप्रैल तक आपको समितियों की ओर से मैसेजेस आ चुके होंगे। अब तक मैं समझता हूं कि ये मैसेज आ गया होगा आपको कि हम विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए सब मिलकर 28 अप्रैल तक 125,000 बाबा जी की चालीसा का जाप कर रहे हैं। तो आपको ये मैसेज आया होगा, तो कृपया अपने अपने घरों में आप चालीसा पढ़ते रहिए,
कोशिश कीजिए कि पूरा परिवार एक 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 करके पढ़े, और उसका एक कैलकुलेशन है वो मैसेज के हिसाब से समिति आपको फिर से भेज देगी, या अगर आपको भेजा हुआ है ग्रुप्स में तो आप प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। विश्व शांति के लिए बाबा जी से प्रार्थना है, और बस ये जो दिक्कत आई हुई है 2 दिन से, तो अच्छी खबर आ रही है कि कम से कम 40%+ थोड़ा कम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और लॉकडाउन अब आगे एक्सटेंड होने की कगार पे कुछ स्टेट्स होंगे या कुछ एरिया होंगे। तो आप लोगों की प्रार्थनाएं काम आ रही हैं, अरदासें काम आ रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति हम जगाएं इन दिनों में। प्रभु ने आपको आराम करने के लिए तो टाइम दिया है, लेकिन साथ में भक्ति करने के लिए भी टाइम दिया है, और परिवार के साथ भक्ति करने का टाइम दिया है। तो प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा, और एक दो सूचनाएं हैं वो मैं आपको धीरे धीरे आगे भजनों में बताऊंगा। अगला भजन लेते हैं, बहुत प्यारा भजन, बाबा जी के चरणों में एक बड़ी प्यारी सी अरदास। प्लीज शेयर जरूर दबाएं, शेयर जरूर दबाएं, शेयर जरूर दबाएं। अभी मुझे कम से कम 77 लोग दिख रहे हैं इस वक्त, 77 शेयर तो आने चाहिए, एक शेयर का बटन दबाना है आपको बस। तो चलिए अगला भजन लेते हैं, बड़ा प्यारा, बाबा जी के चरणों में अरदास। आए भक्तों की मंजूर बाबा, और
बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय। बोलिए श्री पंचदेव दरबार की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। वाह, अभी कम से कम 80 लोग जुड़े हुए हैं। और बंटी भाई, सिद्धार्थ बगड़िया जी, आप देखिए कितने शेयर्स मिल रहे हैं। आज बाबा जी का प्रचार हमको झूम के करना है और जितनी लीला हो सकती है बाबा जी की घर घर पहुंचे। तो ये जो 70-80 लोग हैं, 78-80 लोग हैं अभी, उतने शेयर आने चाहिए। प्लीज आप लोगों का जो यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा है उसमें शेयरर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे घर वाले रेक्स, अपने पेज पर शेयर करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। चलिए, बहुत अच्छा बाबा जी के भजनों का रंग लगा हुआ है। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और चलिए अगले भजन की ओर चलते हैं। 5:30 बजे हम 8 मिनट में एक भजन और लेते हैं ये वाला, और उसके बाद हम एक बड़ी प्यारी सी प्रार्थना करेंगे राष्ट्र के लिए। आज कम से कम करोड़ों लोग 5:30 बजे ये प्रार्थना करने वाले हैं राष्ट्र के लिए। तो आज हम बाबा जी के दरबार में ये प्रार्थना करेंगे राष्ट्र के लिए। और बाबा जी के चरणों में बड़ी मीठी सी एक भेंट लेकर आए हैं। एक करीब बहुत साल पहले, मुझे याद नहीं है, बहुत साल पहले बाबा जी के मुंबई के कीर्तन में एक बार एक नाव की झांकी लगी थी। नाव बनी थी, नौका में बाबा जी विराजमान थे, पंचदेव दरबार सजा हुआ था। तो उस वक्त ये भजन झांकी को देख के, अक्सर पता नहीं पिछले 20 सालों में ऐसा बहुत होता है कि झांकी को देख के कुछ कल्पनाएं आ जाती हैं दिमाग में, तो भजन बन जाता है। ये बहुत प्यारा भजन बन गया था। चलिए बाबा जी से अरदास लगाते हैं और बाबा जी को बोलते हैं कि जो हमारी जिंदगी रूपी नाव है, जो जीवन की नौका है, उसका माजी कौन है, पतवार किसने पकड़ के रखी है। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे सिद्धार्थ बगड़िया जी, बंटी भाई, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे गा रहा हूं। रहते गरुड़ आसमान
पार देत बिगड़ी सवा ये है लखदातार विष्णु के अवतार चरणों में वंदन है नमन बार बार भक्ति कर लो न सोचो परिणाम का भक्ति कर लो न सोचो परिणाम का तार देता है नाम बाबा गंगा राम का मेरी कश्ती का माझे बड़े श्रद्धा पे बाबा ने रहमत करी जो समर्पित है उनके घर में बरकत भरी सच्ची श्रद्धा पे बाबा ने रहमत करी जो समर्पित है उनके घर में बरकत भरी नाम के जाके दर्शन करो पंच देव धाम का जाके दर्शन करो पंच देव धाम का तार देता है नाम बाबा गंगा राम का मेरी कश्ती का माझी बड़े लगाऊंगा तो आपने कमेंट में जय लिखना है, मैं जय नहीं बोलूंगा, ठीक है? और बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की, कमेंट में लिखिए। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की, कमेंट में लिखिए। बोले गायत्री मात की जय। चलिए अब 5:30 बज चुके हैं और आप लोगों ने सिर्फ सुनना है, ये जो प्रार्थना है आप लोगों ने सुननी है, क्योंकि करीब करीब आप समझ लीजिए कि करोड़ों लोग इस वक्त 5:30 बजे अपने अपने घरों में ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि सनातन धर्म से जुड़े होने के कारण और भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है इसके लिए हमें राष्ट्र के लिए जो प्रार्थना करनी है, जो प्रेयर है, वो मैं सिर्फ प्ले कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के जहाँ पे भी आप बैठे हैं, सिर्फ 3-3.5 मिनट लगेंगे
ये मैं प्ले कर रहा हूं और आप लोगों ने बस सुनना है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे राष्ट्र पर कृपा करें, हमारे देश पर, इस विश्व पर, इस ब्रह्मांड पर कृपा करें। चलिए, भारत माता की जय। एक बार जरूर भारत माता की जय जरूर लिखिएगा, जितने भी लोग हैं यहां इस वक्त, भारत माता की जय यहां कमेंट्स में दिखना चाहिए। इस प्रेयर में लिखिएगा भारत माता की जय। सिर्फ सुनना, हाथ जोड़ लीजिए, सर झुका लीजिए। चलिए, एक ये जो प्रार्थना है ना इस वक्त पूरे भारतवर्ष में करोड़ों लोगों ने की आपके साथ, और चलिए बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय। बोलिए पंचदेव दरबार की जय। बोलिए गायत्री मात की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। आज कुछ
इतने प्यारे प्यारे भजनों की फरमाइश आई है, जो मैं आई थिंक जब मैं 20 साल पहले जुड़ा था, तो क्योंकि मेरे पास भजन नहीं थे ज्यादा, तो मैं इन भजनों में से कुछ गाता था। फिर मैंने 3-4 महीने में, 5-6 महीने में मैंने खुद के अपने भजन बना लिए थे, और ये मैं उस वक्त गाता होता था। बीच में मैंने कई बार गाया है, मेरे बड़े भाई आदरणीय भजन सम्राट से कम नहीं थे, और राजेंद्र जैन, आदरणीय राजेंद्र जैन जी का भजन है उनका लिखा हुआ, कमाल भक्ति, कमाल अनन्य भक्ति बाबा जी में, इतनी भक्ति, और मुझसे प्यार भी बहुत करते थे, बहुत जल्दी बाबा जी के चरणों में जाकर विराजमान हो गए। तो आज उनके कुछ भजन हैं, जो 2-4 भजन आए हैं, लेकिन 2-4 में से ज़्यादातर राजेंद्र भैया के ही हैं, तो मैं गा रहा हूँ, उनको एक श्रद्धांजलि भी हो जाएगी हम सब की तरफ से। ओके शायद एक अंतरा काटना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रैक में शायद 3 ही अंतरे हैं। चलिए, बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय, बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय। गंगाराम की कृपा से हर काम संसार चल रहा है।
बाबा गंगाराम जी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय। बोलिए श्री पंच देव दरबार की जय। एक और भजन की फरमाइश आई है, भारत माता की जय, जय हो आनंद आनंद आनंद, ऐसे ही लगे रहिए और शेयर दबाइए प्लीज। अगर बाबा जी से अगाध भक्ति करते हैं, आज आप दिखा दीजिए कितनी भक्ति करते हैं और एक शेयर का बटन दबा दीजिएगा। बाबा जी का नाम, बाबा जी की ध्वजा, बाबा जी का पर्चा घर घर पहुंचना चाहिए, हमारा मकसद यही है। 20 साल पहले जब मैंने बाबा जी की लड़ फड़ी थी, पंजाब में पंजाबी में कहते हैं लड़ फड़ना, दामन पकड़ लेना, तो बस मन में यही था कि बाबा जी की जो लीला है, बाबा जी का जो प्रचार है, उसको घर घर पहुंचाना है। और इस वक्त इस मोमेंट बाबा जी की भक्ति जगाने के लिए आपके पास एक यही रास्ता है कि अपनी अपनी वॉल पे शेयर कीजिए, अपनी अपनी वॉल पे शेयर का बटन दबाइए। बाबा जी की भक्ति कितनी करते हैं आज दिखाइए। आज ये जो सेशन है 1.5 से 2 घंटे का, ये घर घर पहुंचना चाहिए। और जय हो जय हो जय हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे, विष्णु तारी, वाह 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 मुरारी भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए तो अगला भजन लेते हैं, ये आप भक्तों में से किसी भक्त ने बंटी भैया को भेजा था और ये ले रहा हूं मैं। ओके चलिए, और अभी भी अगर आपको ये मेरी जो भजन की लिस्ट है, मैंने आज करीब करीब 1.5-2 घंटे की बनाई है, और अभी भी अगर आपको कोई भजन सुनना हो तो जीते रहो नितेश, जय बाबा जी की, बाबा जी को प्रणाम करो यार, हमारा तो प्यार है तुम्हारे साथ नितेश, बहुत अनन्य भक्त है नितेश, बहुत अच्छा। चलिए, आई होप म्यूजिक और मेरी वॉइस आपको क्लीन आ रही है, शब्द समझ में आ रहे होंगे घरों में बैठते ही, क्योंकि हम ट्रैक्स के ऊपर करते हैं तो बीच में रुकना बोलना वो मुनासिब नहीं है। तो आप लोग साथ में गाते रहिए, अगर आपको भजन याद हो तो ये हनुमत को राम से लागी, बड़ा प्यारा भजन, ये भी ये किसने लिखा है, सोनू भैया ने लिखा है, सोनू भैया उन्होंने बहुत प्यारा भजन लिखा है। और चलिए भक्तों का
भगवान की छाया भक्तों का नाता भगवन से मिलता जो धड़कन से भक्तों का नाता भगवन से मिलता जो धड़कन से कमेंट्स तो बनते हैं। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की, बोलिए भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की, और बोलिए गायत्री मात की जय। लिखना है कमेंट में, डालिए अपने कोई अगर भजन आपको सुनना हो तो, बाद में अगर टाइम होगा तो मैं, अगर ट्रैक भी हुआ तो मैं गा दूंगा। जय हो। ये भी भजन फरमाइश में ही आया था और लिस्ट में, क्या बात है, सीक्वेंस पे आ गए सारे फरमाइश वाले भजन। इसमें भी थोड़ा ट्रैक का आई थिंक तीन अंतरे होंगे और इसमें लिखे हैं 1 2 3 4 5 पांच अंतरे हैं, तो मैं
कोई भी दो ओमिट कर दूंगा और वो गा देता हूं। प्यार से बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। जय हो लिखते जाइए जितना लिखेंगे उतना आपको पुण्य मिलेगा, बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा। और हम क्या हुआ अगर हम कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई ऐसा जो बोलते हैं ना कि बाबा जी की भक्ति घर पे बैठ के करेंगे, बाबा जी के दर्शन। देखो बाबा जी ने आज हमें समय दिया है खुद को समझने के लिए, घर पे बैठ के शांति से भक्ति करने के लिए। लोग बोलते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिलता बाबा जी की चालीसा करने का, भजन करने का, दिल तो बहुत करता है लेकिन सुबह 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे तैयार होके निकल जाता हूँ, फिर कहाँ रात को 9-10 बजे आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। अब आपको बाबा जी ने 1 महीना हो गया, बहुत टाइम दिया है, भक्ति जग गई, जितना भक्ति कर सकते हैं कीजिए। और जब हम ऐसे लाइफ में आए, भजन सुनिए, बाबा जी का चिंतन कीजिए और कमेंट्स में जय बाबा जी के लिखते रहिए, अपने मनपसंद भजन लिखते रहिए, भारत माता की जय लिखते रहिए और भजनों की फरमाइशें लिखते रहिए। आप गाते रहो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहना ना बाबा ये सब के सामने, देखता हूं ये अगर हुआ तो। चलिए अगला भजन बहुत प्यारा, ये कहीं से मुझे याद नहीं है, किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है तो ये भजन मैं गा रहा हूं। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय, बोलिए भक्त शिरोमणि देव जी नंदन जी की जय। कमेंट में लिखना है और शेयर कीजिए, शेयर शेयर कीजिए। बिल्कुल सुनी जी कब वो है लिस्ट में है। Thank you.
तैयार करूंगा। लिरिक्स में थोड़ा गड़बड़ है, इसके मीटर में थोड़ा कहीं कहीं प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। बाबा जी का नाम लेके सब ठीक ही ठीक होना है। एक बड़ा ये कई लोगों से रिक्वेस्ट आई थी तो मैं वो ले रहा हूं भजन, क्योंकि ये जो समय चल रहा है क्वारंटाइन का, एक वायरस की वजह से एक आपदा जो आई हुई है, वैश्विक है, ये पूरी वर्ल्ड इससे दुखी है, तो हम प्रार्थना ये करते हैं बाबा जी से कि बस ये जो हम लोगों के ऊपर दुख की घड़ी आई है इसको टाल दो बाबा। तो आप समझ गए कौन सा भजन मैं गाने वाला हूं। एक बार मैं बीच में अब कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, मैं कमेंट्स पढ़ा और गड़बड़ हो गई थी, अभी पढ़ लेता हूं। ओके, झुंझुनू धाम हमारा कमेंट्स बिल्कुल। सुनील मोदी जी ने एक रिक्वेस्ट भेजी है, मैं वो लिस्ट में, यस इस भजन के बाद वही है। यस, अमित सुरेखा जी ने जो बात पिछली बार मैंने कही थी, अमित सुरेखा जी ने यहाँ लिखी है। अमित जी जय बाबा जी की, बिल्कुल आप ये मैं आप लोग जो नए लोग जुड़े हैं, आज तो काफी लोग जुड़ गए हैं, तो आप लोगों से भी बोल रहा हूँ कि आज हमको 19 दिन और एक्सटेंशन मिली लॉकडाउन 2 जो हमको दिया गया। कुछ लोग मैं देख रहा था कि उसमें उकता रहे थे कि क्या यार लॉकडाउन बढ़ गया, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि जो बाबा जी का परिवार है, बाबा जी का परिवार तो पिछले 36 सालों से लॉकडाउन में है। आप लोग ये रियलाइज करते हैं, अगर आप आज की डेट में, अगर मैं तो बोलता हूं कि मौका है बाबा जी की लीला का प्रचार करने का, कि कोई भी यदि आपको ये बोल दे कि यार मैं तो पक गया हूं लॉकडाउन में, मैं तंग आ गया हूं, मैं उकता गया हूं, लोग अजीब अजीब हरकतें करने लग गए हैं, और आप लोगों को ये मौका है, जितने बाबा जी के भक्त हैं ना आप लोगों को ये मौका है कि आप बाबा जी का जो ज्ञान है ना, ये आप उन लोगों को दे सकते हैं। मतलब जो लोग आपको बोले ना कि यार मैं तो लॉकडाउन से थक गया हूं, अब ये लॉकडाउन बंद होना चाहिए,
तो आप ये बाबा जी की जो लीला है ना दरबार की, ये आप उनको सुना सकते हैं। बाबा जी की लीला का प्रचार आपको बाबा जी ने इतना स्वर्णिम मौका दिया है कि घर घर पहुंचाने का, जो आपको बोले, जो फेसबुक पे लिखे, जो व्हाट्सएप पे लिखे, जो फोन करके आपको बोले, पर्सनली तो मुश्किल है मिलना, लेकिन जो आपको सोशल मीडिया पे बोले आप उसको ज्ञान दे दीजिए। ये सबसे बड़ी एक मतलब मैं तो बोलता हूँ भक्तों की उपलब्धि होगी कि आपको बाबा जी का ज्ञान देने मिलेगा कि आप सिर्फ एक महीने या डेढ़ महीने के लॉकडाउन से घबरा रहे हैं, वहां मंदिर में उन आठों प्राणियों ने जो संकल्प लिया था उसमें से आज जो छह प्राणी वहां मंदिर में बैठे हैं, विराजमान हैं, उनका तो 36 साल का लॉकडाउन चल रहा है, आप सोचिए। और ये भी बात आप बताइएगा कि 1975 में कौन सा मोबाइल फोन था, कौन सा पेजिंग फैसिलिटी थी, कौन सा सोशल मीडिया था, कौन सा इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था। और उन लोगों ने कैसे दिन निकाले होंगे, क्या भक्ति, क्या तपस्या की है। तो क्या आज हम घरों में रह के लॉकडाउन में हम बाबा जी की इतनी भक्ति नहीं जगा सकते हैं? जगा सकते हैं ना, जरूर जगा सकते हैं। तो आप ये लॉ जगाइए लोगों में, ये अलग जगाइए लोगों में, लोगों को ज्ञान दीजिए बाबा जी का। कोई भी अगर आदमी सोशल मीडिया पे दिखता है कंप्लेंट करता हुआ तो उसको बताइए बाबा जी के बारे में। और हम धन्य हैं, हम तो मैं तो बोलता हूं ये जीवन मेरा धन्य है, मेरे परिवार का जीवन धन्य है कि इस जन्म में बाबा जी की भक्ति मिली हमें करने के लिए। और ऐसा दरबार हमें मिला, ऐसा दरबार जिसकी मिसालों में मिसाल है ही नहीं, वे मिसाल है, उसके जो चमत्कार है वो बेहिसाब है, कोई जवाब ही नहीं है। तो आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए कि आपको बाबा जी का संकीर्तन करने मिलता है, घर में बैठ के बाबा जी का जितना नाम ले सकते हैं उतना लीजिए। वर्किंग फ्रॉम होम भी हो रहा है कई लोगों का, लेकिन ठीक है, जब आपको टाइम मिले तो कीजिए। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। चलिए अगला भजन, बड़ा सटीक इस जो दुविधा चल रही है इसके ऊपर बड़ा सटीक बैठता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या करना है, इतना समझ लेना है कि जो भी करना है बाबा जी ने करना है, जो भी करना है पंच देवों ने करना है, आपका कोई बस नहीं चलने वाला। बोलते ना, अगर आपने अपनी नैया की जो पतवार है या अपने जीवन की डोर इनके हाथ में थाम दे दी, थमा दी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। और जितने लोग यहां अभी ऑनलाइन है ना, इस बात पर कम से कम जय बाबा जी की लिख दीजिएगा इधर कमेंट में कि हाँ भैया मैं बाबा जी के चरणों से जुड़ा हुआ हूं और मैं मानता हूं जो आप बोल रहे हैं वो सही है, बाबा जी ही निपटाने वाले हैं, पंचदेव ही निपटाने वाले हैं। इतनी भक्ति, इतनी तपस्या, इतना त्याग व्यर्थ थोड़ी गया, आज तक तो गया नहीं, अब भी नहीं जाएगा। बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो हम ये संकीर्तन कर रहे हैं इसका फल 110% मिल रहा होगा। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो इसकी पॉजिटिव एनर्जी पहुंच रही होगी जो आज हम ये भक्ति कर रहे हैं। बोलिए बाबा गंगाराम जी की, कमेंट में जय लिखिए। बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। चलिए एक मिनट, सुख की गोद में
एम सॉरी, मैं यूट्यूब से ही ले लेता हूँ। I'm so sorry about this. YouTube से ले लेते हैं, थोड़ा ट्रैक में डाउनलोडिंग में गड़बड़ हुई है। बोलती जय बाबा गंगाराम जी की जय। और इस दिल में कराओके कुछ तो गड़बड़ थी ट्रैक में, देखते हैं ये हुई है क्या। चलिए सही ट्रैक मिल गया, वो सेम ट्रैक डाउनलोड किया था लेकिन गलती हो गई उसमें कुछ। I'm so sorry। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। दुख की घड़ी को टालेंगे बाबा, सुख की गोद में पालेंगे बाबा, सुख की गोद में पालेंगे मिलती है जागी रे, मिलती है जागी रे।
बाबा से बिन गए सुख में मुंह फेर लेगी, दुख है बाबा की लीला उस याद करने की, उस याद करने की, मोह माया से निकाले के बाबा, ना से निकाले के बाबा, सुख की गोदी में पाले के बाबा, सुख की गोदी में पाले के बाबा, दुख की घड़ी देव दरबार की जय। कराओके यूट्यूब से लेने में यही नुकसान है, ये एक्चुअली मैंने डाउनलोड करके बनाया था बट कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, ये अगली बार के लिए मैं बना लेता हूँ पूरा गान। के बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय, बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय, बोलिए श्री पंचदेव दरबार की जय, बोलिए गायत्री मात की जय, और बोलिए साचे दरबार की जय। लाइव का अलग मजा है, लेकिन आज हम इतने मजबूर हैं कि कुछ नहीं कर सकते, ट्रैक्स पे हमको काम चलाना पड़ रहा है। भक्ति होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, और बाबा जी का नाम घर घर पहुंचना चाहिए हमारे लिए। तो बोलते हैं ना, जैसे आरएसएस में संघ में प्रचारक होते हैं, तो हम भी बाबा जी के दरबार के प्रचारक हैं, और जैसे दरबार के रागी होते हैं वैसे हम लोग हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम जितनी भक्ति कोशिश करें कि जितनी हम भक्ति करवा सकते हैं, क्योंकि कल फेसबुक पे किसी ने लिखा था कि आप लोगों को ऐसे फ्री में सेशंस करके क्या मिलता है, तो मैंने उन्हें जवाब दिया था, मैंने उन्हें कहा था कि भैया लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हम थोड़ी अपने टैलेंट का अचार डालेंगे घर पे बैठ के, है कि नहीं। तो अगर हम भक्ति करवा सकते हैं तो मेरे लिए तो ये एक राष्ट्र सेवा के बराबर है। अगर बाबा जी की भक्ति, बाबा जी भी राष्ट्र के हित के लिए आए, जग कल्याण के लिए आए, विश्व के कल्याण के लिए आए, तो हम भी एक बाबा जी के चरणों में अगर सेवा दे रहे हैं तो वो भी एक राष्ट्र सेवा हुई, वो भी विश्व कल्याण के लिए एक हमारा योगदान है। ये तो जी यज्ञ है, जितनी आहुति डालोगे उतना कम। हम तो मैं हर भजन सिंगर को, हर सिंगर को, जितने भी सिंगर्स हैं मैं उनको बोलता हूं कि 8 अरब 800 करोड़ की आबादी वाली दुनिया में भगवान ने, बाबा जी ने बहुत कम लोगों को गाने का मौका और गाने की आवाज दी है, तो हम लोगों को तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, बाबा जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमको कम से कम आपका भजन तो करने मिल रहा है, और मेरे माध्यम से, बाबा जी की कृपा से, मेरे माध्यम से अगर आप लोगों की भक्ति होती है तो मेरी सेवा, इससे बड़ी और भी सेवा हो नहीं सकती। घर में बैठ के तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, कई लोग तो सेवाओं में लगे हैं, खाने बना बना के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम कम से कम इतना कर लें तो ये हमारी राष्ट्र सेवा है, और आप भक्ति करिए ये भी एक राष्ट्र सेवा है। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। चलिए बहुत प्यारा भजन अगली लिस्ट में है, हमारे मेरे बड़े भाई हैं सुनील मोदी जी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है भजन की, और बड़ा प्यारा भजन है ये। एक कल्पना है, एक भक्त की कल्पना है, और वो कल्पना ऐसी है कि बाबा जी आपके दर्शन करने को हम बहुत आतुर हो जाते हैं। अभी जैसे मन में चल रहा है ना कि हम जा नहीं पा रहे हैं, कितने लोग आशीर्वाद दिवस पे फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, गाड़ियां पकड़ के निकल जाते हैं, दरबार पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार हमको जाने ही नहीं मिला, लेकिन हमने घर में बैठ के भक्ति की, घर में बैठ के आशीर्वाद दिवस, सुबह नवीन भैया ने अमृतवाणी का पाठ किया, शाम को बाबा जी ने मेरे से एक सेवा ली कीर्तन की, तो हमारी भक्ति हो गई। लेकिन ये है कि भक्त की कल्पना की जो पराकाष्ठा है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, पराकाष्ठा है, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो हमने बाबा जी को एक अरदास लगाई है, बड़ी प्यारी अरदास है, कि क्या है सुनिए। Thank you.
कमेंट्स करते रहिए, बाबा जी की जय बोलते रहिए। शेयर अभी भी ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, लेट्स टेक एज मच एज भजन। ओके, यस, क्या टाइम हो रहा है भैया? 6। हाँ नहीं, मेरी लिस्ट हो जाएगी, डोंट वरी, मेरी लिस्ट हो जाएगी। मैंने जितने भजन लिए हैं उतने टाइम में आज हम खत्म कर लेंगे। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की जय। बोलिए श्री पंच देव दरबार की जय। बोलिए गायत्री मात की जय। ये बड़ा पुराना भजन है,
जब मैं मेरी बुक में 6 नंबर का भजन है, मतलब जब मैं जुड़ा था तारा 20 साल पहले के करीब लिखा था ये, तो चलिए ये गाते हैं। लेट्स सी, ये भी पहली बार ट्रैक पे गा रहा हूँ, बाबा जी करेंगे अच्छा। Thank you.
बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। ये मैंने ना ये ट्रैक कल बनाया, कल हाँ कल बनाया, और बाबा जी ने गवाह भी दिया आज, बहुत अच्छे कृपा है बाबा जी की। घर में बैठे बैठे बोलते हैं बैठे बैठे कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर। अपन तो भैया लॉकडाउन में क्या करते हैं, पूरा दिन म्यूजिक करते रहते हैं, पूरा दिन ट्रैक्स बनाता रहता हूँ, क्योंकि अब कीर्तन करने हैं थोड़े दिन और ऑनलाइन, तो बाबा जी के भी होते हैं, राधे माँ जी के ऑफिशियल पेज से भी मैं ऑनलाइन जाता हूँ, तो भजन अगर रेडी कर रहे हैं तो मेरे पास तो कई ट्रैक्स बने पड़े हैं, तो उनको मिक्स करता रहता हूँ, पूरा दिन लगे पड़े रहते हैं म्यूजिक में। बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। ये बड़ा प्यारा भजन है, अगला नए भजनों में से है जो बोली गायत्री मात की जय, फिर बोली गायत्री मात की जय। चलिए एक बार प्यार से बोलेगा, बोली बाबा गंगाराम जी की जय। लिखिए नीचे कमेंट में जय लिखिए, बाबा जी के जयकारे लगाते रहिए। और कोई अगर भजन आपको सुनना हो तो मैं एक सेकंड चेक कर लूं, आज फरमाइशें नहीं आ रही है, तुमसे होती रहेगी बात। जय हो जय। शेयर करते रहिए शेयर करते रहिए। तेरे जैसा दर नहीं देखा, आई थिंक लिस्ट में नहीं है आज। बनके ढोल है, इसके बाद वाला भजन बनके ढोल है। और एक तेरे जैसा दर, हाँ मैं देखता हूँ तेरे जैसा, ओके। माँ गायत्री वाला जो भजन किसने लिखा है, पीयूष मित्तल जी, मैं अगली बार गाता हूँ, मेरा ही बनाया हुआ है, कंपोज किया हुआ है, अनु जी का जो एल्बम की थी उसका है। याग तुम्हारा देख के, वो ना वो तो मैं गाता हूँ अगली बार, पक्का ट्रैक है मेरे पास जरूर। जय बाबा जी। चलिए अगला भजन बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय। बोलिए श्री पंचदेव दरबार की। 76 लोग ऑनलाइन हैं, शेयर्स आपके आ नहीं रहे हैं, शेयर कीजिए प्लीज। पेज को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना लोग आनंद लेंगे, उतना बाबा जी की लीला फैलेगी, बाबा जी का प्रचार बढ़ेगा। आप लोगों के ऊपर इतनी कृपाएं बाबा जी ने की है, तो इतना तो बनता है कि बाबा जी का सिर्फ एक आपको शेयर का बटन दबाना है, लोगों तक बाबा जी के भजन पहुंचाने हैं, बाबा जी की लीला पहुंचानी है। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय। और आपका अगर जिंदगी में एक भी इतना सा भी काम अगर बाबा जी ने किया है ना, तो शेयर दबाइए और कमेंट्स में जय बाबा जी की लिखिए, अपनी हाजिरी लगाइए, बाबा जी के दरबार तक आपकी आवाज पहुंचे इस दिल से लिखिए। बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। तुम्हें याद
जितने लोग ऑनलाइन है ना 80 लोग ऑनलाइन है, 80 लोगों में से जितने लोगों ने भी गायत्री माँ के साथ सत्संग किया हो, उनके साक्षात दर्शन किए हो, इस वक्त गायत्री माँ की जय लिखिएगा, कमेंट में लिखिए, माँ को समर्पित कीजिए, अपनी भक्ति समर्पित कीजिए। और जितने भी लोगों ने माँ के दर्शन किए हैं, माँ से सत्संग किया है, इमीडिएटली इसी वक्त देखते हुए शेयर का बटन दबाएंगे। बोलिए भक्ति शिरोमणि देव की नंदन जी की, बोलिए गायत्री मात की जय। चलिए अगले 2-3 भजन ही रह गए हैं, टाइम 6:41, तो 2 भजन और लेते हैं। एक भजन था बम भोले भजन की एक फरमाइश आई थी, और एक बनके ढोल। तो एक काम करते हैं, बनके ढोल बाद में ले लेता हूं, पहले बम भोले गा लेते हैं। बोली शिव शंकर भोले भंडारी की जय। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आप लोगों को महाभारत भी देखना होगा, तो वी फिनिश इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय, लिखिए गायत्री मात की जय, इसी वक्त लिखिए। अगर आपने सत्संग किया है माँ से, माँ की वाणी सत्यवचन सुने हैं, माँ के मुखारविंद से आपको आशीर्वाद मिला है, तो गायत्री मात की जय लिखिए, और साथ ही शेयर का बटन दबाइए। बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय। वीडियो पे नहीं है, ठीक है, चलिए ये है 25 बुक्स। इमीडिएटली बस हम एक भजन के बाद ये सेशन बंद करने वाले हैं। तो जिन्होंने कमेंट्स में नहीं लिखा है, आप कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी दबाइए। शेयर ज्यादा लोग नहीं दबा रहे हैं, हम चाहते हैं कि बाबा जी की लीला घर घर पहुंचे आपकी वॉल के थ्रू। जो अनजाने लोग हैं, गायत्री माँ की जय लिखिए और साथ साथ शेयर दबाइए। चलिए बम भोले बम, दोनों हाथ उठाने हैं और जैसे डमरू बजता है बोल महापति हर 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 महादेव। एक बार फिर से बोल महापति हर 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 महादेव। आइए साथ में you
मैया की देव महादेव दुलारी रवि शंकर रवि शंभु देवी बोले भंडारी नाम है बेअंत बोले जग परिहारी शिव का नाम हो शुभ का शाम हो शिव का नाम हो शुभ का शाम हो करते रहो जब तक दम में दम बम बोले बम बोले बोलो बम 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 बोले बम बोले बोलो बम बम बोलो बम बोले बम बोले बोलो बम बम कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखिए ओम नमः शिवाय कमेंट्स में जय हो दक्ष प्रजापति जब हुंकारा त्रिशूल से शीश उतारा प्रजापति जब उतारा त्रिशूल से शीश उतारा माफी मांगी होश में आयो बकरे का तब शीश लगायो आशुतोष भोले बाबा भय परसन बकरे ने मुख से जो बोली बम 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 बोले बोलो बम 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 बोले बम बोले बोलो बम बम बोले बम बोले बम बोले Oh,
बनमापति हर 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 महादेव। वाह 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 वाह, बोले शिव शंकर बोले भंडारी की। चलिए अब आखिरी भजन, मेरे को लगता है मैं बस 6:51 हुआ है, आप लोगों को महाभारत देखनी होगी, तो ये भजन मुखड़ा अंतरा ले लेते हैं, मुखड़े अंतरे में ही इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत पसंदीदा है और मुझे गाना ही पड़ेगा, तो गाते हैं। चलिए आखिरी भजन आज की संध्या का, और फिर जब आज्ञा होगी तब मिलेंगे। बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की। अभी आखिरी भजन है, बाबा जी का जयकारा लगाना है आपने, शेयर का बटन नहीं दबाया है तो शेयर का बटन दबाना है आपने, सच्ची भक्ति दिखानी है बाबा जी के चरणों में, और ये भजन प्यार से बोलिएगा। बोलिए बाबा गंगाराम जी की, बोलिए भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की, बोले शिपंच देव दरबार की जय। नीचे जय लिखते रहिए कमेंट में। बोले बाबा गंगाराम जी की, बोले भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की, बोले शिपंच देव दरबार की, बोले गायत्री मात की, बोले साचे दरबार की, और बोले आज के आनंद की। विश्व का जो कल्याण करने के लिए हम ये संकीर्तन करते हैं, इसका फल बहुत जल्द बाबा जी दे, ऐसी चरणों में कामना। चलिए रज रज दर्शन पाऊं वाली लाइन आपने घर में बैठ के गानी है कोरस में मेरे साथ। चलिए के ढोल बजू में, चरणों के घुंघरू बनू में, बन के ढोल बजू में, चरणों के घुंघरू बनू में, हर दम अंग संग मेरे बाबा के रहू में, हर दम अंग संग मेरे बाबा के रहू में, नित उनके भजन गीता चित करे गंगाराम जी के, रज रज दर्शन पाऊं चित करे गंगाराम जी के, रज रज दर्शन पाऊं। बन के छेना तेरे दरबार में बोलूं छम छम, बनू मुकुट का हीरा चमक बाबा चम चम, सोने रूप को बस तेरे तक ना, चरणों का मुलुक चखना जित तेरा शुक्र मनावा, चित करे गंगाराम जी के, रज रज दर्शन पाऊं चित करे गंगाराम जी के, रज रज दर्शन पाऊं। शिरोमणि देव की नंदन जी की। चलिए दो ही अंतरे गाए हैं मैंने, क्योंकि अब टाइम हो रहा है,
और 2-3 मिनट बाकी रह गए हैं। आप लोगों से फिर से करबद्ध प्रार्थना के घरों में रहें और अपना अपना ध्यान रखें, स्टे होम स्टे सेफ। बाहर बहुत अर्जेंसी हो इमरजेंसी हो तो ही निकलें। ग्रॉसरी भी जो आपको अपने घर में किराने का सामान लाना होता है वो हफ्ते भर का एक ही बार में जाके एक ही आदमी घर से निकले, 2-2, 3-3 आदमी ना जाएं, एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और घर में लाकर जो सुरक्षा आपको लेनी है, घर में आते ही साथ सर से नहाना है, कपड़ों को धोने डालना है और जितनी भी प्रशासन आपको ज्ञान देता है इस बारे में उसको आपने फॉलो करना है। बाबा जी का जो आदेश है वो आप लोगों के लिए यही है कि घर में रहिए, सेफ रहिए और यूं ही भक्ति करते रहिए। अब अगली बार के लिए जो बाबा जी का कीर्तन होना होगा मैं करूंगा या दूसरा कोई आर्टिस्ट करेगा, आप लोगों तक जो समाचार है वो पहुंच जाएगा। और ऐसे ही बस बाबा जी की भक्ति जगाते रहिए। विश्व कल्याण के लिए जो 40 का पाठ है, 25 लाख 40 का पाठ करना है, प्लीज 28 अप्रैल तक उसे खत्म करना है। तो आप लोग जितनी भी 40 कर रहे हैं दिन में उसका एक नोट बनाइएगा, एक बुक में लिखते जाइए कितनी 40 आज हुई और उसका टोटल करके हमारे सिद्धार्थ बगड़िया जी हैं जो भैया बड्डी भैया वो आपको मैसेजेस भेजते हैं या जिसको भी ये कार्यभार दिया हुआ है सेवादार को आप उन तक वो समाचार पहुंचा सकते हैं कि हमने इतनी 40 का पाठ कर लिया है। तो पल बोल दीजिए बाबा गंगाराम जी की जय, बोलिए भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की जय, बोलिए श्री पंचदेव दरबार की जय, बोलिए गायत्री मात की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय और बोलिए आज के आनंद की जय।